नील सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी, आपने अपने 27 साल के युवा भाई के लिए ये कमान दी निर्देशन की। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक स्टार फैमिली से चाहे वो निर्देशक युवा हो चाहे प्रोड्यूसर हो, उसके लिए बड़ी सेलिब्रिटी जल्दी भाव नहीं देती। वहीं अगर रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी, स्टार फैमिली से अगर कोई निर्देशक युवा आगे आता है या प्रोड्यूसर आगे आता है तो उसे स्टार मतलब स्टार कास्ट जो है वो टाइम देती है, उसके साथ काम करती है। वहीं पर अगर नॉन स्टार फैमिली से सामान्य व्यक्ति अगर स्ट्रगल करता है और वो स्टार के पास जाता है या प्रोड्यूसर स्टार के पास जाता है, वो डेट नहीं देती है। बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूँ। आज इनफैक्ट स्टार फैमिली स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, आज के टाइम पे। और आज की सिनेमा जिस किस्म से प्रोग्रेस कर रही है, आज की युवा पीढ़ी अगर आप देखें, कितने निर्देशक हैं जो एक भी बंदा स्टार फैमिली में नहीं है। और आज के सबसे बड़े यंग सुपरस्टार्स जो हैं वो एक भी स्टार सन नहीं है। तो स्टार वो अभी वो नेपोटिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई, पासे हो गई। अब नए सवाल होने चाहिए इन 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 चीज़ों पर। और मेरा मानना ये भी 100% है कि अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं, आपको ये क्षेत्र मालूम है। श्री राम राघवन साहब कहाँ स्टार फैमिली से थे, उन्होंने एक छोटी फिल्म बनाई थी, मगर जितनी टक्कर उस एक छोटे बजट की फिल्म ने उस समय सारी हाथियों को दी थी, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, उस एक फिल्म की वजह से आज तक हूँ। आज बड़ा छोटा, कितने बड़े पैमाने पे आप कितना पैसा खर्चा करके फिल्म बना रहे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, ऑडियंस तक फिल्म आखिरकार पहुँचेगी या नहीं। अगर पहुंचती है, वो मौका अगर आप देते हैं ऑडियंस को फिल्म में आके देखने के लिए, एक थिएटर में लगनी भी तो चाहिए अच्छे से। अगर मौका ही नहीं दिया तो फिल्म चलेगी कैसे। बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार फैमिलीज में से कोई स्टार नहीं बनता अगर आप में वो हुनर नहीं है। नमन ने कहा कि कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं बन सकता। अब बाप थोड़ी ना बोल सकता है भाई तू सर्जन बन जा, है ना, काट दे, स्टिच कर ले, कैसे करेगा, सीखना पड़ता है। मैं गायक तो नहीं बन सकता, मेरे पिताजी का हुनर उनके साथ है, उनकी फैक्ट्री वो खुद है, मेरी फैक्ट्री मैं हूँ, है ना। मैं अपना हुनर मैं थोड़ी ना अपने भाई में दे सकता हूँ एज एन एक्टर या एज अ डायरेक्टर या कुछ, वो उसका दिमाग है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक अजीब और गरीब सवाल हमेशा आता है इंडस्ट्री के सामने कि अच्छा आप बच्चे हैं, परिवार आपका फैमिली फिल्म फैमिली का है। किसी ने मुझे ये पूछा है कि क्या संघर्ष मैंने किए हैं अपनी ज़िंदगी में जॉनी गद्दार पाने के लिए। उस एक एक फिल्म के लिए मैं जानता हूं कि मैंने कितने दरवाजे खटखटाए, मैं जानता हूं। नहीं नहीं, हाँ ना, बहुत सारे दरवाजे फिर बाद में जॉनी गद्दार के खुल भी गए, मैं बस उतना ही कह सकता हूं, है ना। तो जिस जिसने कहा कि ये फिल्म नहीं चलेगी, उन सब के साथ शायद मैंने काम भी किया है। क्योंकि कहीं एक परसेप्शन का नाम एक होता है, कहीं एक फेथ होता है। प्रोड्यूसर के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी कभी डरते हैं कि इस घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ये दिखता तो शांत है, ये दौड़ेगा कि नहीं। और वो मैं पूरा श्रेय क्यों इन्हें देता हूँ, मेरे पिता समान मैं क्यों हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमेशा साथ दिया है और हमेशा भरोसा किया है। भरोसा भी एक चीज़ होता है करना। अगर भरोसा आपने हम पे किया है, वो वज़न आपने हमारे कंधों पे वैसे ही डाल दिया, आपने हमारे कंधों पे वज़न डाल दिया, हम खुद ब खुद उतनी ही मेहनत करके आपको प्रूव करना चाहेंगे कि हम में वो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मौके मौके का फ़ायदा, यू नो, एक एक मौका मिलना चाहिए लोगों को। बहुत सारे ऐसे किरदार कलाकार हैं हिंदुस्तान में जिन्हें मौका नहीं मिलता। मौका मिला है नमन को, मौका मिला है मुझे कि मदन सर के साथ हम एसोसिएट करें, इतने सारे लोगों के साथ, इतने टेक्नीशियंस एक्टर्स के साथ काम करें। इस मौके का हमने पूरा फ़ायदा उठाया है।